देश की महामहिम राष्ट्रपति की इतनी बड़ी बेइज्जती किसी ने नहीं की थी जितनी अधीर रंजन ने कर दी। कांग्रेस नेता को सच में राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी में अंतर नहीं पता था। जरा सी चूक से अर्थ का अनर्थ हुआ और अब जो हो रहा है उसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देश की राजनीति में धीरे धीरे सिमटती जा रही कांग्रेस के नेता अब कमाल और धमाल करते जा रहे हैं। पहले राहुल गांधी को सत्ता पक्ष ने पप्पू घोषित कर दिया, अब सदन में कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले नेता अधीर रंजन और भी चार कदम आगे चल रहे हैं। हिंदी भाषी ना होने की बात हमेशा उनके पक्ष में नहीं जा सकती, क्योंकि इस बार उन्होंने जो बखेड़ा खड़ा किया है वो सिमटता नहीं दिख रहा। पूरे विवाद की सच्चाई और अंदर की बात आपको बताएंगे, लेकिन पहले अधीर रंजन का बयान सुनिए, फिर माफी न मांगने का उनका अड़ियल रुख देखिए। कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने दिया गया था? नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रख, कहा कहा बीजेपी कहा माफी मांगेंगे? बीजेपी से क्यों माफी है? बीजेपी कौन होते हैं? अरे चूक से एक 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 लफ्ज निकल चुके चूक से, इसलिए मैं कल ही पत्रकार कह रहे थे कि भाई ये एक बार चूक हुई है। आप कल, मैं काफी सारे मीडिया वालों से बात किए, कभी नहीं ऐसा किया। पहले कहा राष्ट्रपति, उसके साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति, पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं, माफी किसकी, चूक हो गए। आगे बढ़े उससे पहले लोकसभा में हुआ हंगामा भी देखिए और ये भी देखिए कि अपनी बेटी द्वारा गैरकानूनी बाड़ चलाने के आरोपों पर चुप्पी साध कर बैठी स्मृति ईरानी कैसे चीख चीख कर इंसाफ मांग रही हैं। को कठपुतली कहा, कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान बचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको बचा नहीं पा रही। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ में अधीर रंजन की अधीरता ही है। ये ऐसे नेता बन चुके हैं कि कब क्या बोल जाएंगे कुछ पता ही नहीं। पहले उल्टा सीधा बोलेंगे और फिर माफी मांगने से इनकार भी करेंगे। खुद को हिंदी का सही से ज्ञान न होने का कारण ये पहले भी दे चुके हैं। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोलने का दुस्साहस शायद ही इनसे पहले किसी ने किया हो। अगर अधीर रंजन चाहते तो माफी मांगकर बात खत्म कर सकते थे, लेकिन वो तो अड़े हुए हैं, माफी क्यों मांगूं। दूसरी ओर सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भाजपा भी कम नहीं है। राष्ट्रपति शब्द का स्त्रीलिंग करने के चक्कर में अगर कोई नेता गलत बोल भी गया तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाकर पूरी दुनिया में बेइज्जत कराने से कौन सा भला होने वाला है? ना तो ये जनता से जुड़ा मुद्दा है और ना ही इससे राष्ट्र की असीमता को खतरा पहुंचाया जा सकता है। लेकिन भाजपा को भी ध्यान भटकाने का मुद्दा बैठे बिठाए मिल गया है और इसलिए इस पर बहस जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।